गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस। बच्चों हम ओ तक का रिटीन कर चुके हैं, आज हम इंग्लिश लेटर का पी लिखेंगे। बच्चों पी कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ डॉट डॉट है तो हमको उसको जॉइंट करना है। देखो मैं डॉट डॉट जॉइंट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। ये जो बिंदी है बच्चों इसको जॉइंट करने से ये स्टैंडिंग लाइन बन जाएगा, और इधर जो डॉट डॉट है इसको ऐसे जोड़ने से राइट टर्न बनाते हो ना, देखो ये है राइट टर्न हो गया, और ये राइट टर्न क्लिक करने से ये पी हो जाएगा। देखो इसको जोड़ने से स्टैंडिंग लाइन, और इसको ये डॉट डॉट जोड़ने से राइट टर्न, और ये राइट टर्न यहाँ से जोड़ने से ये पी बन जाएगा। बच्चों ऐसे पी लिखते हैं, ये स्टैंडिंग लाइन और इसको जोड़ने से ये हो गया पी। बच्चों आपको ऐसे पी लिखना है, स्टैंडिंग लाइन और इसके ऊपर से राइट टर्न, स्टैंडिंग लाइन और इसको जोड़ने से राइट टर्न देने से पी हो जाएगा। बच्चों आपको ऐसे पी लिखना है। और बच्चों आपका ओरिजिनल बुक का पेज नंबर 63 में आपको आप पी लिखना। देखो यहाँ पर पी लिखा है, और आप जब पी लिखोगे देखो यहाँ पर 62 में पेज नंबर 62 में वर्ड है पी फॉर, जो जो वर्ड्स आता है उसका नेम लिखा है। मैं रीडिंग कर रही हूँ, देखो पी फॉर पैरट, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पाइनएप्पल, पी फॉर पिलो। बच्चों पी फॉर पैरट, पैरट का मतलब है आप लोग जो बोलते हो तोता। पी फॉर पेंसिल, पेंसिल में क्या करते हैं बच्चों राइटिंग करते हैं। पी फॉर पाइनएप्पल एक फ्रूट है, और पी फॉर पिलो ये है तकिया। आप जो स्लीपिंग करते हो तो सर के नीचे देकर सोते हो ना, ये है पिलो। पी फॉर पैरट, पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पाइनएप्पल, पी फॉर पिलो। बच्चों अभी हम बुक में पी लिखेंगे। देखो यहाँ पर भी डॉट डॉट है तो हमको इसको जोड़ना है, इसके ऊपर आपको जोड़ना है, ये ऐसे ऐसे आपको लिखना है। और आप जब लिखोगे तो लिखने टाइम में पी फॉर पेंसिल, पी फॉर पैरट, पी फॉर पाइनएप्पल, पी फॉर पिलो। बच्चों ये पी फॉर जो वर्ड है इसको बोल बोल के आपको पी लिखना है। ओके